कोच्चि वाटर मेट्रो को केरल के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से कोच्चि की ग्रोथ और डेवलपमेंट को रफ्तार मिलेगी। कोच्चि में केरल सरकार के इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पर 1,136.83 करोड़ रुपए की लागत आई है। द क्लाइमेट फ्रेंडली इनिशिएटिव इज ए गेम चेंजर दैट विल बी मॉडल टू द एंटायर वर्ल्ड। कोच्चि वाटर मेट्रो is an innovative project that is showcasing the technological capability of India. दावा किया जा रहा है कि कोच्चि वाटर मेट्रो दुनिया में कहीं भी इलेक्ट्रिक बोटों का सबसे बड़ा बेड़ा है। वाटर मेट्रो 78 इलेक्ट्रिक बोटों और 38 टर्मिनलों के साथ कोच्चि और उसके आसपास के 10 आइलैंड को जोड़ेगी। इसे केरल सरकार और जर्मन फंडिंग एजेंसी KfW से फंड मिला है। वाटर मेट्रो में एयर कंडीशन केबिन, आरामदायक सीटें, नर्सिंग मदर्स के लिए फीडिंग रूम और दिव्यांगों के लिए टॉक बैक सिस्टम सहित कई सुविधाएं हैं। इन सुविधाओं का मकसद यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव देना है। There will be 4 emergency response and work boats that will be stationed zone wise so that assistance is available for the boats. प्रोजेक्ट के पहले चरण के रूप में हाईकोर वाइप इन टर्मिनलों से व्याटिला ककनाड टर्मिनलों तक सेवा जल्द ही शुरू होगी। एयर कंडीशन बोटों में बचत कराने वाली और सुरक्षित यात्रा लोगों को ट्रैफिक जाम में फंसने से बचाने में मदद करेगी। यात्री कोच्चि वन कार्ड का इस्तेमाल कर कोच्चि मेट्रो और वाटर मेट्रो दोनों में सफर कर सकते हैं।